अगर आप नहीं बता पा रहे हैं मैं कहाँ खड़ी हूँ, तो मैं आपको बता दूं, मैं इस समय दिल्ली के उस इलाके में खड़ी हूँ जो वीवीआईपी इलाका है। कुछ ही मीटर दूर राष्ट्रपति भवन है और एक तरफ है वित्त मंत्रालय, दूसरी तरफ है डिफेंस मिनिस्ट्री। अब दिल्ली के अंदर आजकल बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों में जो आम आदमी पार्टी नई लिकर पॉलिसी लेके आया था उस पर एक युद्ध छिड़ गया है। कभी अरविंद केजरीवाल कुछ कटाक्ष करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो भारतीय जनता पार्टी उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है, आपको दिखाते हैं सुशांत मेहरा की इस रिपोर्ट से। सरकार की लिकर पॉलिसी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा नई लीकर पॉलिसी को लेकर के जिस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, उसके बाद से लगातार अब बीजेपी जो है वो हमलावर हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता स्लोगन्स लेकर के, हाथ में तकिया लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं विरोध कर रही है। जिस तरीके से सिफारिश राज्यपाल की तरफ से की गई है, उसके बाद से बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो आगे की तरफ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जो कि एक्साइज के मिनिस्टर भी है, उनके पास पूरा ये विभाग है, उसको लेकर के यहाँ पर विरोध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर आपको नजर आएंगे। रामवीर सिंह भी यहाँ पर मौजूद है जो कि नेता प्रतिपक्ष है। सर, विरोध जारी है, एक्साइज पॉलिसी को लेकर के विरोध जारी है। देखिए बात यह है, हम शुरू दिन से ये कह रहे थे कि जो नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल की सरकार लाई है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये बात हमने विधानसभा के अंदर भी कही और हमने दिल्ली के उस समय के उपराज्यपाल से भी मांग की कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अब दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने इस घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दे दिए हैं। मैं दिल्ली के एलजी के इस फैसले के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। आप मुझे बताइए कि मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके इन्होंने गली गली में शराब के ठेके खुलवाए, इन्होंने जो शराब के ठेकेदारों को 2.5% कमीशन मिलता था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया और दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। ड्राई डेज की संख्या घटाकर 21 से 3 कर दी गई और यदि शराब की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो दिल्ली सरकार की लैब में उसकी जांच नहीं होगी, बल्कि शराब के ठेकेदार ही बताएंगे कि शराब की क्वालिटी अच्छी है या खराब है। तो इसमें हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी जांच के आदेश दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने दिए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ पर और बीजेपी लगातार कह रही है कि पूरे मामले में बड़ा घोटाला हुआ है और उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि लगातार महिलाएं जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले को अब बीजेपी जो है वो अब बुनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लीकर पॉलिसी को लेकर के सिफारिश की गई है दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से, अब बीजेपी इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी सरकार को जो है वो फिलहाल घेरती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा जो नई शराब की नीति को लेकर आया गया था उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक मोर्चा खोल दिया है। मनोज तिवारी एक तरफ कटाक्ष कर रहे हैं तो दूसरी तरफ है प्रवेश वर्मा। ये दोनों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पे क्या कटाक्ष कर रहे हैं सुनिए। गली गली में शराब की दुकान खोलना, शराब की दुकान को स्कूल के सामने भी, मंदिरों के सामने भी, मस्जिदों के सामने भी, मतलब देवालयों के सामने भी शराब की दुकान खोलना, स्कूलों के सामने खोलना, ये सारी अनियमितताओं के बावजूद उन्होंने न दिल्ली की जनता की सुनी न तो हम सांसदों की सुनी। हम आज बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी हुई है। अरविंद केजरीवाल पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं मनीष सिसोदिया को जेल जाना है, तो अगर ये अरविंद केजरीवाल जी की कोई कोशिश है कि मनीष सिसोदिया जेल जाए तो ये उनके बीच का क्या खेल है हमें इससे पता नहीं। हमें नहीं मालूम इसमें कौन दोषी है, लेकिन जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। दिल्ली में जब हम देख रहे थे कि कोरोना की दूसरी वेव थी और दिल्ली में 23,000 लोग मरे, उस समय दिल्ली सरकार एक एक्साइज पॉलिसी बनाने में व्यस्त थी
और वो ये अपना सोच रही थी कि कैसे वो अपना पैसा इकट्ठा करें उनको पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए, और उन्होंने दो चार कंपनियों को सारे रूल्स को ब्रेक करके उनको फायदा पहुंचाया, उनको 150 करोड़ रुपए का पैसे का फायदा पहुंचाया, दिल्ली के लोगों को नुकसान हुआ, और उसमें रूल्स को ब्रेक किया गया, कैबिनेट मीटिंग में सारे रूल्स को ब्रेक किया गया, इसलिए जांच हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी सीबीआई अपना मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करेगी।